प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जिनतमान, इन कपड़ों में तू तो मस्त लग रही है। और आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हो मेरे सुपरस्टार रजनीकांत। चल चल झूठी, रजनीकांत नहीं भद्रकांत लग रहा हूँ मैं इसमें। मेरी नजर से देख के देखो, भद्रकांत नहीं रजनीकांत लग रहा हो। अरे बस भाई बस, देख तेरी इच्छा हो गई पूरी, पहन लिया मैंने सफर है, अभी निकाल दो। ऐसे कैसे, साथ में फोटो हो जाए। ना बहने, इसमें फोटो बेटा कुछ नहीं है भाई। क्यों? अरे क्यों क्या, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे 50 किलो की बोरी में 100 किलो गेहूं भरा है। अरे नहीं क्या, अभी प्लीज एक फोटो, मेरे खातिर इतना नहीं करोगे? अरे डोबी, तेरी खातिर तो टाइट टाइट सफर मांड मांड पहना है मैंने, अबे फोटो नहीं भाई, प्लीज फोटो नहीं, प्लीज प्लीज रजनी। अरे अच्छा ठीक है चल, फोटो खींचेंगे लेकिन सिर्फ पासपोर्ट साइज। ओके। एक लेटेस्ट सर्वेक्षण हुआ है अमेरिका में, उस सर्वेक्षण के अनुसार रूठी हुई पत्नियों के बाल ज्यादा जल्दी सफेद होते हैं। अंजलि 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 अंजलि, ऐसे ऐसे कब तक रूठी रहोगी? हंस दो ना प्लीज, एक बार हंस दो ना प्लीज। ये क्या हंसना हुआ अंजलि, जैसे किसी ने डोरबेल बजाई हो, टिंग टोंग। अंजलि, कड़कती ठंड में लगती है बहुत प्यारी धूप, और धूप से भी प्यारा लगता है तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों से बना हुआ सूप। आला बस, वेरी फनी। ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर भी इससे ज्यादा अच्छे होते हैं। अंजलि, अब तुम्हें मेरी शेरो शायरी भी अच्छी नहीं लग रही। अंजलि मान जाओ ना प्लीज, अब इससे ज्यादा क्या बोलो, सॉरी बोला ना, मान जाओ ना प्लीज। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पत्नियां तो झगड़ालू होती है। हाँ होती हैं। क्या मेरे कहने का मतलब, कुछ पत्नियां झगड़ालू होती हैं, लेकिन मेरी अंजलि उन कुछ में शामिल थोड़ी है। मेरी अंजलि तो स्पेशल है, मेरी अंजलि बोलती है तो मोती झड़ते हैं। मेरी अंजलि जब बस बस लेखक महोदय बस, मैं कोई आइसक्रीम नहीं हूँ कि तारीफ की हवा से पिघल जाऊंगी। अंजलि मान जाओ ना प्लीज प्लीज प्लीज, अंजलि इतना गुस्सा ठीक नहीं है। नहीं मानोगी, ठीक है। अंजलि जरा मुस्कुरा दो। अरे वाह, स्माइल 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 स्माइल। ओह हाँ, क्या क्लोजअप है, वेरी नाइस। क्या कर रहे हो?
अंजलि कमाल, वाव क्या पिक्चर्स हैं, वेरी गुड अंजलि, वाह अंजलि कितनी खूबसूरत, कैसे कैसे मुंह बना रखे। अब ये सारे पिक्चर्स में सारे रिलेटिव्स और तुम्हारे फ्रेंड्स को मेल कर देता हूँ कि भाई रूठ के अंजलि ऐसी दिखती है। देखो देखो देखो, करूंगा करूंगा करूंगा। तुम भी ना अंजलि, अरे जब रूठ जाती तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई लव यू। आई लव यू टू। और तुझे पता है टपुड़ा, तेरी मम्मी पापा की शादी हुई ना, उसके पहले ही तेरी दादी ने तेरा नाम सोच के रखा था कि जिस दिन जेठा की शादी होगी और उसके घर अगर बेटा हुआ तो उसका नाम मैं टप्पू रखूंगी। है हाँ। दादाजी मैं दादी को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी टपुड़ा, मुझे भी उसकी कमी महसूस होती है, पर क्या करे, नसीब के आगे हम सब मजबूर है। दादाजी दादी की और बातें सुनाइए ना। अरे टपुड़ा तेरी दादी के बारे में जितनी बातें करूं उतनी कम है। चल अभी घर चलते हैं और सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। अरे दादाजी जल्दी क्या है, अभी वेकेशन चल रहा है, आराम से उठेंगे। टपुड़ा एक बात हमेशा याद रखना, रात को जल्दी सोके सुबह जल्दी उठना चाहिए। राते वेला जे सुवे वेला उठे ए वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। हैं समझा? हाँ दादाजी। चल चल अभी घर चलते हैं, सो जाते हैं। चल चल। रेडी। अरे दौड़ मार टप्पू, टप्पू धीरे। अरे टपू तो बापूजी की आवाज है। बापूजी। अरे चाचा जी क्या हुआ? अरे वो क्यों हो गया चाचा जी को? चलो नीचे चलते चलो। अरे चाचा जी गिर। अरे चाचा जी गिर गए माधवी। क्या उनको आराम से बिठा, हम अभी आते हैं। चल। अरे चाचा जी बापू जी क्या हुआ? क्या हुआ बापू जी? ठीक क्या आवाज सुनी मैं बापू जी, क्या हुआ बापू जी? अरे नहीं चाचा जी आप ठीक तो है? कहाँ लगे बापू जी? इधर लगे। अहो ये दो लोग कौन है? अरे जेठिया, जेठा और दया भाभी। गुब्बी इधर लगा, देखो। अरे छोड़, कुछ नहीं हुआ, तू छोड़ जेठिया छोड़। अरे अरे लेकिन देखो कैसे क्या हो गया, कैसे लगा लेकिन आपको? अरे वो सीढ़ी चढ़ने गया तो ठोकर लग गई। तो दादाजी का ख्याल रखना चाहिए ना तुझे। अरे रेवा देने अवे, ज्यादा नहीं लगा। क्या ये क्या भेष बना रखा है? ओ जेठा भरा यार, इस ड्रेस में बड़े फन्नी लग रहे हो। चुप कर, नहीं सो फन्नी फन्नी। हाँ जेठाना तुम तो हमारे जमाने से भी पुराने जमाने में चले गए। यार क्या कर रहे हो? सॉरी बबीता सॉरी। जेठालाल तुम घर में फैंसी ड्रेस खेलते हो क्या? ओए जेठा बरा रात को आजकल खूब गेटअप चेंज कर रहे हो। आप स्पाइडरमैन और सुपरमैन भी बनते होंगे। अरे जेठालाल जोर से सांस मत लेना वरना सारे बटन टूट जाएंगे। दया भाभी यू नो व्हाट, यू लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। हाँ दया भाभी। जेठालाल You looking also different, and different. ये अय्यर इडली मेरा मजाक उड़ाने का एक मौका नहीं छोड़ती।
ओए जेठा परा, ये सफारी सूट कहीं तुम्हारी अभी नाइट ड्रेस तो नहीं है? अरे आप लोग क्या कर रहे हैं यार, इस तरह से क्या हंस रहे हैं बच्चों की तरह? अरे भाई कपड़े ही तो पहने, आदमी की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं उसके विचारों से होती है। क्या बुराई है इन कपड़ों में बताइए मुझे? बुराई कुछ भी नहीं है मैं दादा। क्या है जेठालाल ये कपड़े पहनकर एंजॉय कर रहा है, पर हम जेठालाल को इन कपड़ों में देखकर एंजॉय कर रहे हैं। सही बात है। हाँ देव भाभी, भले ये कपड़े पुराने जमाने के स्टाइल के हैं पर आप पे बहुत सूट कर रहे हैं। बहुत मिट्टी लगी। हाँ बहुत मिट्टी तेरे जैसी। हाँ देव भाभी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जेठालाल अरे भाई अभी हमारे कपड़ों की चिंता करना छोड़ो और बापू जी को लगा उसके बारे में सोचो थोड़ा यार भाई। तो अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। चाचा जी हमारे गोकुल धाम के असली वीर हैं। अरे चलो भाई चलो, सभी अपने अपने घर जाओ चलो। ओके टेक केयर। जेठालाल गुड नाइट। है ना बे चापली। दया भाभी आपको किसी की बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो। हाँ लेकिन टप्पू के पापा का तो सबके बीच में मजाक हो गया ना। नहीं नहीं दया भाभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेहता साहब ये सब इसके वजह से हुआ। ए जेठिया अब घर चलेगा कि सुबह दूध वाला आएगा उसे भी सफारी दिखाएगा? चल मेहता साहब अभी घर पे जाऊंगा तो बापूजी की फायरिंग चालू हो जाएगी, फायर ब्रिगेड जरा चलो साथ में प्लीज। अरे नहीं जेठालाल मैं कहाँ चलूंगा इस वक्त, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो, बापूजी कुछ नहीं कहेंगे, आराम से सो जा। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। सब क्या है? बिना बच्चे का कांगारू लग रहा कांगारू। अरे घर में ऐसे कपड़े पहने तो पहने, लेकिन ऐसे कपड़े पहन के अपना मजाक उड़ाने नीचे कंपाउंड में आने की क्या जरूरत थी? वो आपकी चीख सुनी तो तुम्हें लोगो अक्कल वगैरह जो। अरे सफारी पहनने का इतना ही मन हो रहा था तो जरा ढंग का पहनता, ये किसी बच्चे का मांग के लाया हो ऐसा सफारी पहनने की क्या जरूरत थी? किसका है ये? अरे बोल। वो मेरा ही है। मेरी शादी में मेरी सास ने मुझे गिफ्ट दिया था। कहाँ जा रही है? मिल गई तुझे खुशी, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, मेरे लिए इतना नहीं करोगे मेरे रजनीकांत? अरे हवा निकल गई तेरे रजनीकांत की उधर नीचे, कभी वॉयर भीड़े जब भी मिलेंगे तभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमें अचानक इस ड्रेस में नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन तुझे जरूरत ही क्या थी मुझे ये सफारी पहनाने की, तो ये जिद करती नहीं तो ये सब होता ही नहीं ना। आई देखो भी मैं आपको ये सफारी सूट पहनने के लिए नहीं कहूंगा। अरे तू कहेगी तो भी मैं नहीं पहनूंगा, जिंदगी में मेरे पास और कोई कपड़ा नहीं बचा तो भी पहनूंगी। अरे नहीं तो भी मैं पूरी जिंदगी टोलिया पहन के निकालूंगा लेकिन ये सफारी नहीं पहनूंगा। सॉरी।
जेठा कहाँ है? वो सो रहा होगा है ना? ये कुंभकर्ण कभी नहीं सुधरेगा। जेठिया, ए जेठिया। हाँ बाबूजी आया, आया बाबूजी। हाँ बाबूजी। अरे भाई, ये तेरा देर से उठने का नियम तू कब तोड़ेगा? पापा, राते वेला जे सुए, वेला उठे ए वीर, बड़ बुद्धि ने दल वदे, सुकमा रहे शरीर। है ना दादाजी? सीख सीख, ये टपू से कुछ सीख। ये बच्चा भी समझता है, लेकिन तू नहीं समझेगा, है ना? अरे जो सोवत है वो खोवत है। अरे लेकिन जो ठीक से नहीं सोवत है वो रोवत है। क्या मन में क्या बोल रहा है? नहीं कुछ नहीं बापूजी। अच्छा सुन, मैं और टप्पू वो विरार के पास अगासी तीर्थ है ना, वहाँ दर्शन करने जा रहे। अच्छा, संभल कर जाना बापूजी, और शाम को अंधेरा होने से पहले वहाँ से निकल जाना। तू चिंता मत कर, हम लोग 20-25 लोग साथ में। और टप्पू बेटा, दादाजी को परेशान मत करना और उनके साथ ही रहना। हाँ मम्मी। और दादाजी का ख्याल रखना बेटा। अरे पापा, आप चिंता मत करो, मैं दादाजी का एकदम बराबर ख्याल रखूंगा, मैं आपका जो बेटा हूँ। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा, जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। चल दम। गए, सो जाइए। चाय बना, मैं ब्रश करता हूँ। क्या ओहो क्या? उसमें ओहो क्या? क्या? एक मिनट रुक। दादाजी, मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछ। एडवेंचर टूर को सफारी कहते, जैसे जंगल सफारी। अच्छा, घूमने फिरने को सफारी कहते? हाँ दादाजी, लेकिन दादाजी पापा ने कल सफारी पहनने का एडवेंचर क्यों किया? क्योंकि टपुड़ा सफारी पुराने जमाने का पोशाक है। लेकिन दादाजी, पुराने जमाने का पोशाक पापा ने आज के जमाने में क्यों पहना? अरे पुराने दिनों को याद करने। अच्छा, इसलिए मम्मी ने भी वैसे कपड़े पहने थे। अच्छा तो दादाजी ये बताओ, मम्मी पापा पुराने दिनों को क्यों याद कर रहे थे? वो हाँ बताओ ना, बताओ ना दादाजी। वो मैं तुझे नहीं बता सकता। क्यों? अबे चलने, अबे क्यों वाली बहुत छूट जाएगी। चल, हाँ, चल। हाँ। छोटू काका, आप स्लिप बुक भर के सब कुछ रेडी करके मुझे बैंक के बाहर मिलो, मैं भी यहाँ से निकल के आपको बैंक के बाहर मिलता हूँ, और फटाफट ये चेक फर्स्ट क्लियरिंग में निकल जाना चाहिए, और पार्टी जलगांव पहुँचा उसके पहले ये चेक जलगांव के लिए रवाना हो जाना चाहिए। हाँ दया चाहिए जल्दी। हाँ हाँ लिखा तो विगत लिखो, लेकिन आप वो स्लिप बुक में टाचनी बाचनी लगा के लाना, उधर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ चेक और टाचनी में लगा के सीधा फुर अंदर रवाना। हाँ विगत लिखो, वामन राव चितड़े कोऑपरेटिव बैंक, वामन राव चितड़े कोऑपरेटिव बैंक, रामदास कॉलोनी ब्रांच जलगांव, रकम लिखो 15 लाख, और जीरो बराबर गिन के लिखना, 2-3-4-5-5-0। हाँ हाँ चेक नंबर लिखो 6-6। तेरी आवाज इतनी बारिश तो लग रही है बेटा। मुझे सर्दी हो गई है। नहीं तो तेरी आवाज तो कितनी मीठी है। हाँ हाँ, और स्पेशल भी। पूरे बॉय में मेरा हेलो सुनकर कोई भी मुझे पहचान लेता है। और वो गुलकंद कड़ू का क्या कह रहे थे? अरे उनके तो बात ही मत कर बेटा, जब बनु काका ने अपने घर का ताला लिया और पड़ोस में जो बनु काका रहते हैं उनके घर पे वही ताला मार के वो चले गए। अरे बनु काका के घर वाले बेचारे पूरा दिन अपने ही घर में कैद रहे। अरे बेटा तुझे तो पता है ना, ये पुल में तो ऐसी कॉमेडी चलती ही रहती है। अरे कल रात हमारे यहाँ भी कॉमेडी हुई। बराबर बराबर लिखा है आपने। क्या हुआ? क्या हुआ? चाय लाने भाई, आप निकलो फटाफट। चलो क्या किया? सॉरी। अरे क्या सॉरी? हेलो हेलो सुतर, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? हेलो हेलो हेलो,
अरे अरे वो छोड़, क्या किया? कुछ साफ कर देती हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। चाय 15 लाख के चेक पर चाय गिर पड़ी, इसे कहते हैं किए किराए पे चाय फेर देना। भाई हमारे परम मित्र जेठालाल की किस्मत बिल्कुल झूले की तरह है, पल में ऊपर पल में नीचे। अब देखिए ना, अभी 15 लाख का चेक जो बड़ी मुश्किलों से उन्हें प्राप्त हुआ था, उसे पाने की खुशी में बिल्कुल सातवें आसमान पे थे, और अचानक जैसे ही चाय गिरी धड़ाम से नीचे आ गिरे। अब बड़े गुस्से में है हमारे दोस्त जेठालाल। भाई गुस्सा आना स्वाभाविक है, वैसे जिंदगी में आपको और हमें बहुत छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आता है। बस ट्रेन में जगह नहीं मिली, गुस्सा आ गया। किसी का धक्का लग गया, गुस्सा आ गया। कोई गाड़ी टच कर गई ट्रैफिक में, गुस्सा आ गया। रिक्शे वाले ने खुले पैसे वापस नहीं लौटाए, गुस्सा आ गया। बच्चों ने शोर कर दिया, गुस्सा आ गया। आप सोचिए इन बातों पे क्या गुस्सा करना ठीक है, लेकिन इस वक्त जेठालाल का गुस्से होना बड़ा स्वाभाविक है। भाई सातवें आसमान पे है उनका गुस्सा, आंखों में बिजली कड़क रही है। वैसे देश भर में इन दिनों बिन मौसम बरसात हो रही है, और यहाँ एक लड़ाई का मौसम बन चुका है। अब क्या होगा जब जेठालाल बेहद गुस्से में होंगे? दया भाभी रूठ जाएंगी, और टेलीफोन पे ये बातें सुंदर सुन रहा है। अब आप सोचिए इस सिचुएशन में होंगे बहुत सारे हंगामे, और ठाके देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.